हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बीए सेकेंड ईयर की एजुकेशन पेपर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। मनोविज्ञान का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ? 16वीं शताब्दी। मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान माना गया है 18वीं शताब्दी के अंत से। मनोविज्ञान को दर्शन से सर्वप्रथम अलग किसने किया? विलियम जेम्स ने। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, चेतना का वह व्यवहार की विधि को स्वीकृत करता है, यह कथन है वुडवर्थ का। मनोविज्ञान प्रयोगशाला सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? वुंड का। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा? वाटसन ने। विल्हेम बुंद थे जर्मन मनोवैज्ञानिक। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है? बालक के व्यक्तिक भिन्नताओं को जानने और शैक्षिक समस्याओं के समाधान में। शिक्षा में मनोविज्ञान तथ्यों का विधिवत प्रयोग सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? पेस्टोलॉजी ने। मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य नहीं है खाद्य एवं सुरक्षा। पहली प्रयोगशाला की स्थापना मनोविज्ञान में किसने की? विलियम वुंड ने। पद्धति शब्द का अर्थ है वह मार्ग जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। मनोविज्ञान में संरचनात्मक संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक थे फ्रोबेल। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, किसने कहा? स्कीनर ने। पहला व्यक्ति जिसने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जेबी वॉटसन। प्रकारवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं जेम्स। व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे? वाटसन। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन। शिक्षा मनोवैज्ञानिक की अध्ययन पद्धतियों को मुख्यतः किन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? आत्मगत व वस्तुगत विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी 20वीं शताब्दी में। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विकासात्मक। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का शुभारम्भ किस शिक्षा दार्शनिक से हुआ? पेस्टोलॉजी। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक स्वरूप किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? पेस्टोलॉजी ने। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका प्रत्येक शिक्षक को औद्योपंत अध्ययन करना चाहिए, यह कथन है रूसो का। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के शैक्षिक मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, यह कथन किसका है? ट्रो का। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन है चार्ल्स ई स्कीनर का। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा समझा जाता है बाल विकास को। शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? नैदानिक विधि। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में किसका प्रमुख स्थान है? बालक का। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1879 में। ज्ञान के किस क्षेत्र को व्यवहार विज्ञान के रूप में जाना जाता है? मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जोन्स को। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, किसने कहा था? ई ए पील ने। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक, यह किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है? स्कीनर ने।